नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के जिला न्यायालय परिसर में आज जिला जज सहदेव सिंह व अधिवक्ता संस्थाध्यक्ष मोहनजन भट्ट द्वारा न्यायिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने बताया कि केंद्र में प्राप्त वादों एवं प्रार्थना पत्रों को CIS सॉफ्टवेयर में आवश्यक अंकन के उपरांत अपराह्न 1 बजे न्यायालयों के संबंधित लिपिकों को प्राप्त कराया जाएगा। इसके उपरांत लिपिक द्वारा 1 से 2 बजे के मध्य प्राप्त वादों व प्रार्थना पत्रों में आख्यांकित करने के साथ शेष अंकन के उपरांत उसी दिन 2 बजे सुनवाई व आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो हमें दिशा निर्देश हैं, जो गाइडेंस हैं, वो वेरी मच क्लियर कि हमें जो वादकारी हैं उनको हम जो तकनीकी जो बिंदु हैं उनको साइड में रखते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, उसी उद्देश्य को प्रकाश में रखते हुए आज हमारे द्वारा एक सेंट्रलाइज फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें हमारे विद्वान अधिवक्तागण या वादकारी जो हैं, जो भी मैटर उनका है, उनको किसी कोर्ट में न जाना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, यहीं पे सेंट्रल में फाइलिंग कर देंगे। उसके बाद जिस कोर्ट से वो रिलेटेड होगा वहाँ पर वो टेकअप किया जाएगा और मैटर आगे प्रोसीड करेगा। इंस्टाग्राम में एक युवती की फर्जी आईडी बनाकर फोटो पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 40 CRPC का नोटिस जारी कर आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 नवंबर को एक युवती द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम में फर्जी आईडी बनाकर फोटो पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी करने की तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर धारा 66C IT एक्ट में अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहनचंद पांडे द्वारा साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाते हुए प्रकाश में आए आरोपी राजेंद्र सिंह धामी ग्राम खेला धारचूला को कोतवाली पिथौरागढ़ बुलाकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि युवती की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करते हुए अश्लील मैसेज भेजे गए। मामले को लेकर आरोपी को धारा 140 CRPC का नोटिस तामील कराया गया और फोन को कब्जे में लिया गया। साथ ही आरोपी को समय से न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। चंपावत में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा ऑपरेशन क्रैकडाउन लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा टड़कपुर क्षेत्र अंतर्गत एक आरोपी को 2.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी समीम वार्ड नंबर 4 इमली पड़ाव टनकपुर को 2.25 ग्राम स्मैक के साथ टैक्सी स्टैंड टनकपुर के निकट से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सोनू सिंह, कांस्टेबल लाल सिंह बोरा, रमेश कांडपाल, संजय कुमार आदि शामिल थे। चोरी का मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां कोतवाली में विजय पंत द्वारा बिंड रोड में अपने यूनिवर्सल मोटर वर्कशॉप से बीते 2 दिवस पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैटरी, टायर व रिम होटर, कार स्टीरियो की चोरी व वाहन को क्षतिग्रस्त करने की तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर IPC की धारा 300C 427 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मोहनचंद पांडे व उप निरीक्षक हरीश सिंह के नेतृत्व में चोरी के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटों में चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी पंकज कुमार निवासी वड्डा, हाल निवासी सनेमा लाइन और देश कुमार निवासी बिंड को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल बलवंत और भूपेंद्र शामिल थे। बीती रात पिथौरागढ़ से डीडीहाट को रवाना हुए ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर का वाहन किरचिना पुल के पास खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खाई में गिरा वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दोनों बैंक कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात पिथौरागढ़ से डीडीहाट को रवाना हुए ग्रामीण बैंक प्रबंधक रविकांत मेहता और त्रिवेणी माधव पलड़िया के आज सुबह बैंक में न पहुंचने पर बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर डीडीहाट व पिथौरागढ़ के बैंक कर्मी तथा पुलिस व SDRF टीम द्वारा खोजबीन की गई। सर्विस लांस द्वारा हचिला किरचिना के पास लोकेशन मिलने पर तथा एक बैंड के पास से खाई में कार गिरने की संभावनाओं को देखते हुए टीम द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन के दौरान गहरी खाई में एक
वाहन तो दिखाई दिया पर उस तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एसडीआरएफ पुलिस टीम ने गहरी खाई में उतरकर मशक्कतों के बाद शवों को खाई से निकालकर सड़क पर पहुंचाया। थानाध्यक्ष कनाली हिना जावेद हसैन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में बैंक कर्मियों की मौत की सूचना मिलने पर शोक की लहर दौड़ गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।